तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने मिलाने वाला हूं धनराज से। दोस्तों, धनराज ने मेरा YouTube पे वीडियो देखा था, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया WhatsApp पे। उन्होंने मुझे कुछ टाइम तक हमारी कन्वर्सेशन चली, हालांकि बिजी शेड्यूल थे बट फिर भी हमारी कन्वर्सेशन चली। और फिर बाद में धनराज जी ने मुझे बताया कि वो मेरे नियर बाय में ही रहते हैं, ठीक है। तो मैंने उनसे उनकी पूरी स्टोरी के बारे में पहले मैंने सुना और बहुत ज़्यादा पेनफुल मुझे लगा दोस्तों, और यहाँ तक कि आप भी ज़रूर इस स्टोरी से खुद को रिलेट करोगे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है हर मिडिल क्लास फैमिली के साथ हो रहा है, ठीक है दोस्तों, उनके बेबीज लोगों के साथ, तो हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम होती रहती है। तो इस प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुई थी धनराज को, तो उन्होंने कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली में रह के ये सारी प्रॉब्लम को डील किया और 100% नेचुरल ट्रीटमेंट लिया उन्होंने, ठीक है, कोई साइकेट्रिस्ट या कोई डॉक्टर की हेल्प नहीं ली, जो भी किया उन्होंने खुद से रिकवर हुए। और उन्होंने उनको ये एक्चुअली मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप ये स्टोरी जो है लोगों को बताइए, ठीक है दोस्तों। तो हम जान लेते हैं कि धनराज जी की पूरी स्टोरी के बारे में, ताकि आप भी मोटिवेट हो जाओ और कैसे इस सारी चीज़ों से निकलना है वो सीख जाओ, ठीक है दोस्तों। थैंक यू विकी एंड हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। माय नेम इज धनराज पुजारी और यूजुअली ये चीज़ें कोई बताता नहीं है, बट मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में और अपने फैमिली के बारे में। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे घर में मेरे मॉम है, सिस्टर है, डैडी थे जो बहुत हार्ड वर्किंग थे, जो मेरे लिए बचपन में मेरे हीरो थे, जाते थे काम करके आते थे, मैं उन्हें देखता था और हमेशा उन्हें देख के सीखता था कि हार्ड वर्किंग कैसे होते हैं। तो फिर बाद में जैसे मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की तो मैंने भी जॉब सर्च करके काम करना शुरू किया। पर उससे पहले जो मेरे साथ हादसा हुआ वो हुआ यूं कि मेरे डैडी जब जॉब पे थे उन्हें एक लत लगी थी जिसे हम कहते हैं लॉटरी खेलना, जुआ जिसे हम बोलते हैं। ये आदत नहीं होनी चाहिए दोस्तों किसी को भी, क्योंकि ये चीज़ों की वजह से एक घर टूटता है। और जब उनको ये चीज़ लगी, शॉर्टकट कभी इस्तेमाल नहीं करना जिंदगी में, क्योंकि शॉर्टकट से तुमको कभी कुछ नहीं मिलने वाला। इवन तुम जो होता है तुम्हारे पास वो भी तुम खो देते हो। और वही हुआ, मेरे डैड फिर चिड़चिड़े होने लगे, फिर घर में झगड़ा, और वो सारी चीज़ें मेरे जहन में चल रही थी। जब मैंने उनको देखा ये सब चीज़ें, अरे मेरे डैडी ऐसे तो नहीं थे पहले, एंड सडनली व्हाई ही इज बिहेविंग लाइक दैट। तो फिर बाद में हमसे झगड़ा करके एक दिन ऐसा आया कि वो हमें छोड़ के चले गए। और वो जब झगड़ा होता है घर में तब हमारे अंदर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। वही तो, ये चीज हुई मेरे साथ और जिसका नाम है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं। आप अगर सर्च करोगे गूगल पे, ये चीज मेरे साथ हुई। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ बहुत बड़े प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि मुझे 2-3 दिन वॉशरूम नहीं जाना, या फिर कभी कभी डायरिया हो जाना, और सडनली मेरे ब्रेन में इम्पैक्ट होना, मुझे नींद बहुत ज्यादा लगनी, या फिर कभी कभी नींद ही नहीं लग रही, मैं जबरदस्ती आँख बंद कर रहा हूँ, और मैं खाना भी खा रहा हूँ आधा खा रहा हूँ, कभी कभी फुलनेस आ जाता था जो गला तक मेरे चले जाता था खाना। तो फिर ऐसे मुझे लगने लगा कि कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है मुझे। तो मैंने सारे सोनोग्राफी, अपने सीटी स्कैन सारी चीजें कर लिए, पर कुछ रिजल्ट सारे पॉजिटिव आ रहे थे, जो कि बोल रहे थे आपको तो कुछ भी नहीं है। इवन डॉक्टर्स भी बोले मैं 2 दिन तुम्हें दवाई दूंगा पर बाद में क्या फायदा है, तुम्हें कुछ ना कुछ अपने से मेडिटेशन करना है, रनिंग करना है, साइकिलिंग करना है, ये सारी चीजें उन्होंने कहा। तो मैंने अपने जिंदगी में 2 टास्क बनाए, जो है बाइक राइडिंग और एक है स्विमिंग। ये 2 चीज है ना जिंदगी में, किए बिना मैं मरूंगा नहीं, ये मैंने ठान के रखा अपने दिमाग में, और काम तो मैं करता ही था। तो बीच में डॉक्टर ने मुझे जैपिस करके एक दवाई है वो मुझे दिया था, जो कि एक नींद आ जाने के लिए होता है वो, पर वो बहुत पावरफुल होता है, डोंट यूज दैट गाइस। क्योंकि एक्चुअली दोस्तों, जो भी मेडिसिन के बारे में बता रहे हैं तो वो बिना प्रिस्क्राइब के आप बिल्कुल भी नहीं लीजिए, ठीक है। हाँ, और इससे क्या होता है कि इससे आपके बॉडी पे तो इम्पैक्ट होगा ही, और फिर पैसे अलग खर्चे होंगे, राइट।
तो इसलिए बेटर है कि आप अपना ट्रीटमेंट खुद से कीजिए। मैं क्या करता था पता है विकी, मैं कहीं ऐसी जगह पे जाता था जहां गार्डन है, बर्ड्स है, एनिमल्स है। मतलब ये जब डिप्रेशन आपको, मुझे जब बहुत ज्यादा ही होता था, जब डिप्रेशन आ जाता था मेरे सर पे, लाइक कुछ किसी भी चीज, कोई भी रिलेशनशिप हो आपका या आपके, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अभी मेरे तो डैडी का तकलीफ है, जैसे किसी किसी का होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रॉब्लम, हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम। तो डिप्रेशन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। जैसे कि आपके रिलेशनशिप में कोई भी तनाव आ जाता है, जैसे ऑफिस में भी, इवन आप ऑफिस में बॉस ने आपको चिल्ला दिया तो आपको हो जाता है किसी किसी का। अभी जरूरी नहीं है कि मेरे लिए ये चीज छोटी हो सकती है, जरूरी नहीं कि विकी के लिए वो छोटी हो, वो बड़ी भी हो सकती है। तो ये चीजें होती है दोस्तों। तो मैंने अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश की। तो ये डिप्रेशन में आपने क्या क्या, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी आपको, वो आप उनको बताइए कि मतलब ये जो डिप्रेशन है वो सभी के अलग होते हैं, ठीक है? तो वो चीज उनको भी पता चलनी चाहिए और आपको भी पता चलनी चाहिए, ठीक है? तो डिप्रेशन में आपने क्या क्या फेस किया था? डिप्रेशन में मैंने सबसे पहले तो यही फेस किया था कि लॉस ऑफ स्लीप, मतलब कि आपको नींद नहीं आती जल्दी। मैंने बहुत कोशिश की सोने की पर वो नींद लगती नहीं, और खाना बिल्कुल नहीं, मतलब कि खाने में मन नहीं लगता, नहीं लगता था। और किसी के साथ रहना नहीं है, लाइक दोस्त नहीं चाहिए, भाई नहीं चाहिए, बहन नहीं चाहिए, माँ नहीं चाहिए। मैं कहीं दूर चले जाता था, बाहर चले जाता, मुझे ऐसा लगता था कि लाइक मुझे सिर्फ अकेला छोड़ दो, बस अकेला छोड़ दो, क्योंकि और कोई मुझे परेशान करना, बहन आ जाती थी तो उसको भी मैं झगड़ा कर लेता था या कुछ ना कुछ हो जाता था उसके साथ। तो मेरी माँ ने भी मुझे यही बोल दिया कि जा तू कहीं चले जा, अकेला रह, ऐसा होता है। तो मैंने अपने आप को बहुत मतलब कि संभालने की कोशिश की और अभी भी कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि देखो तकलीफ तो हर एक के लाइफ में होती है। पर आप नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखोगे तो कभी कुछ नहीं होगा आपकी लाइफ में, राइट? क्योंकि नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड ये होता है कि आपको सिर्फ अपने काम से काम और अपने मतलब कि लोगों में रहिए, पर अगर आपका मन नहीं कर रहा है नहीं रहने का तो मत रहिए, कहीं ऐसे जगह पे जाइए जहां पे आपको रिलैक्सेशन मिले, राइट? जो कि मैंने वही करने की कोशिश किया जिंदगी में। अभी इतने दुख तनाव के बाद भी, क्योंकि क्या होता है कि मेरे डैडी मेरे लिए सब कुछ थे, राइट? पर अगर मैंने उनको खो दिया तो फिर ऐसा था कि एक वक्त ऐसा आ गया था ना विकी कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे नहीं रहना है, बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, राइट? एक्चुअली ना दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या हुआ था। मैं सब ऐसे काफी लोगों के साथ होता है, देखो एक फैमिली होती है, वहां पर एक डैड होते हैं, एक हस्बैंड होते हैं, है ना? वैसे ही इनके घर में भी उनके डैड थे और जो अकेले इनकम करते थे उस टाइम पे। तो जब वो मेन इंसान ही घर छोड़कर चला जाता है तो फैमिली पे जो प्रेशर आती है, हालांकि इन्होंने बताया कि वो अपनी बहन पे चिल्लाते थे, इरिटेट होते थे, वो इसलिए होते थे बिकॉज देखो उनकी बहन को भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बिकॉज वो दोनों के फादर थे, है ना? तो दोनों की जो पेनफुल लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म पे थी, है ना? तो क्या होता था, मतलब कोई भी चीज़, मतलब इंटरेस्ट ही चला गया है, जो मेन इंसान ही नहीं है हमारे बीच, वो कहीं बाहर चला गया है, तो कैसे हम जिए, कैसे हम खुश होए, कैसे हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाए किसी के सामने, है ना? तो ये सारी चीजें इनके साथ होने लग गई थी। तो फिर देखो दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो इनको इरिटेबल बॉल सिंड्रोम हुआ था उनमें इनको लाइक बाथरूम में ब्लड भी पास होते थे, ठीक है दोस्तों? और ऐसे काफी लोगों के साथ होता है, बिकॉज मेरे कमेंट्स में मैंने देखा है, कमेंट सेक्शन में काफी लोगों को ये प्रॉब्लम थी आईबीएस की। तो इनकी आईबीएस में ऐसी थी कि इनको वॉशरूम से ब्लड होते थे, बहुत ज्यादा ब्लड निकलते थे, ठीक है? तो ये सारी चीजें भी इन्होंने फेस किया। बट लेकिन देखो, जब उनको ये सारी चीजें हो रही थी तो इन्होंने मुझे आज भी बताया था कि इनको एक डर ऐसा, एक ऐसा एंजाइटी हो गया था कि उनको ऐसा लगता था कि अब मुझे कोई ना कोई बड़ी बीमारी हो गई है, और ये हमेशा कोई ना कोई बड़ी बीमारी के बारे में सोचते रहते थे कि कहीं मुझे ये तो प्रॉब्लम नहीं, कहीं मुझे वो तो प्रॉब्लम नहीं, ऐसे इन्होंने मुझे बताया पूरी तरीके से। तो जब मैंने ये सारी चीजें सुनी तो मतलब बहुत ज्यादा पेनफुल होता है दोस्तों। तो इस चीज को इन्होंने 100% नेचुरल ट्रीटमेंट दिए, किसी की हेल्प नहीं ली, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है? तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग एक मेडिकल कंडीशन से निकलते हैं और बहुत ज्यादा बोलते हैं ना मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशनल है, बिकॉज हर किसी के फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अब उस प्रॉब्लम को हमें कैसे डील करना है ये हमारे ऊपर है, ठीक है?
देखो जैसे कि मैंने शॉर्ट वीडियोस में भी डाला था कि ये जिंदगी है दोस्तों, कभी किसी के ऊपर मेहरबानी नहीं देती, हमें खुद लड़ना पड़ता है और खुद जीना पड़ता है, तब जाकर ये जिंदगी कठोर होती है और हम भी कठोर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज हमेशा याद रखो दोस्तों, जैसे धनराज के साथ ये सारी प्रॉब्लम हुई, IBS की प्रॉब्लम इन्होंने खुद ब खुद सॉल्व की, जैसे उन्होंने डेली एक्सरसाइज की, योगा किया, उन्होंने साइकिलिंग की, जब ये सारी चीजें की तो उनके मतलब डाइट प्लान भी उन्होंने बहुत ज्यादा चेंजेस किए। ठीक है, तो जब इन्होंने ये सारी चीजें कंटिन्यूसली 6 मंथ के लिए इसे अप्लाई किया तो इनकी जो पूरी फिजिक्स थी वो फिर से नॉर्मल, अभी तो बहुत ज्यादा हेल्दी हो गए हैं, पहले बहुत ज्यादा लाइक क्या बताऊं मैं, बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी इनकी भी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज याद रखना है। देखो एपेटाइट भी इनकी लॉस हो गई थी पूरी तरीके से, मतलब इन्होंने जैसे बताया कि खाना जो है कभी कभी ओवरफ्लो हो जाता था, ऐसा लगता था कि यहाँ पर कुछ अटका है ना, उनको चेस्ट पेन भी होने लग गया था, डाइजेशन इशू बहुत ज्यादा मतलब डाइजेशन इश्यूज की वजह से तो मुझे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो डेफिनेटली यार जो हमारा पाचन तंत्र है अगर वही ठीक नहीं होगा तो हमें डेफिनेटली प्रॉब्लम बढ़ती ही है। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो लाइक लाइफ होती है वो हमें जीनी पड़ती है, और ये जो लड़ाई होती है ना ऐसे प्रॉब्लम में, ये हमारी खुद से होती है। अगर आप खुद से हार जाओगे ना तो कभी नहीं जी पाओगे, अगर एक बार खुद से जीत गए तो यार दोस्तों पूरी जिंदगी तुम्हारी होगी, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हमेशा खुशी खुशी से जियो, ये मैं आपको वादा करता हूँ, क्योंकि ये जो लाइफ है ना दोस्तों, ये लाइफ में हर किसी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है, अब इस प्रॉब्लम को कैसे डील करना है वो आप लोगों के ऊपर है। बस मेरा जो यही था आप लोगों के साथ कि मैं इनकी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि IBS की प्रॉब्लम भी आप सर्च करोगे तो आपको पता होगा कि लोग 6-7 ईयर्स के लिए सफर करते हैं ये प्रॉब्लम से, बट फिर भी ठीक नहीं होते। तो ये एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है कि इन्होंने डिप्रेशन जैसे चीज़ों को, IBS जैसे प्रॉब्लम को, और फैमिली कंडीशन में खुद को कैसे ओवरकम किया पूरी तरीके से, और प्लस जो फैमिली के, तो यार बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है अगर फैमिली के बारे में बात करते हैं, है ना। तो अगर फैमिली के बारे में मैं अगर आपको शॉर्ट्स में बताऊँ तो यार जब मेन इंसान ही नहीं है तो पूरा प्रेशर इनकी मॉम पे आ जाता था, मॉम का भी तबीयत खराब हो जाता था, और उनकी बहन का भी, मतलब ऐसा होता था कि मतलब क्या करे यार, कोई ऑप्शन ही नहीं है, जो मेन घर चल रहा है वही इंसान नहीं है तो घर कैसे होगा। तो जो उस टाइम पे मेंटल इलनेस होता है वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है दोस्तों, शायद ये आप लोग समझ पाओ, बिकॉज ये हर किसी के बोलते हैं ना सिचुएशन, हर किसी की सिचुएशन की अलग अलग चीजें होती है, जैसे इनके ऊपर क्या सिचुएशन था तो वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। जैसे इनको प्रॉब्लम हुई थी एंजाइटी, डिप्रेशन और IBS की, वैसे आप लोगों को भी हुई। तो दोस्तों ये सारी सिचुएशन में इन्होंने जैसे ठीक किया है वैसे आप लोगों को भी ठीक करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को जरूर आप पूरा देखना, तभी जाकर आपको ये वीडियो समझ में आएगा और कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से आप खुद को अच्छे इंसान में कन्वर्ट कर सकते हो और पॉजिटिव इंसान में कन्वर्ट कर सकते हो। तो धनराज, कोई लास्ट मैसेज जो आप लोगों को देना चाहते हो? या डेफिनेटली मैं एक मैसेज देना चाहूंगा अपने फ्रेंड्स को, अपने भाइयों को, बहनों को, सबके लिए, कि आप अपनी जिंदगी में एक टास्क बना लो, कोई भी एक या दो टास्क, जो भी टास्क बना लो, और नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखो जिंदगी में। और क्या है, जितनी हिम्मत लोग सुसाइड करने में दिखाते ना, उतनी अगर जीने में दिखा दे, ओ माय गॉड, तो जिंदगी बदल जाएगी, और जिंदगी में तुम वो चीजें पालोगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं हुआ। ट्रू ट्रू, प्लीज ये चीजें मत कीजिए बेकार की, सही चीजें कीजिए, आप स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। थैंक यू सो मच धनराज, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव रहिए और हमेशा ही लड़ने पे ही बिजी रहिए, जब तक आप लड़ोगे नहीं तब तक आप ये प्रॉब्लम से निकलोगे नहीं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो धनराज के लिए बहुत ज़्यादा प्यार दिखाइए कमेंट सेक्शन में, जो भी पूछना है आप धनराज से भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, वो भी हमारे साथ ऐड रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपना ध्यान रखिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच।